नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लाए हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता हो, वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा है। ऐसे 14 फंदे गिने तो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचना चाहिए। तो मैंने 29 फंदे डाल दिए हैं, 29 स्टिचेस। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको ढेर सारे डिजाइन देखने हो तो आप मेरे पुराने वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए मैंने बेबी बुल लिया है और 10 नंबर की सिलाई। तो 29 फंदे डालने के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत डिजाइन है। आप इसे अपने स्वेटर में जरूर आजमाइएगा, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन दिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, चाहे तो आप उल्टा बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लीजिए। अगला फंदा उल्टा, तो दो फंदा उल्टा हो गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब फिर उन हम दूसरी ओर करेंगे और 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 5 फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन अपनी ओर करेंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 और 14, इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब फिर हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया है, अब दो फंदा और उल्टा हम बुनेंगे। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था, दो फंदा उल्टा, एक फंदे 5 फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा हमने उल्टा बुना। अब फिर हम यहाँ से डिजाइन शुरू कर देंगे। तो दो फंदा उल्टा, यहाँ पे हो गए 3 फंदे, टोटल 3 फंदे यहाँ पे उल्टे हो गए हैं। दो, अब फिर उन दूसरी ओर करेंगे 5 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा, और एक फंदा उल्टा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे भी उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। अब हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, आप बुनना चाहें तो सीधा बुन लीजिए, फिर दो फंदे और सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे, देखिए पिछली हमने इधर से 5 फंदे सीधे बुने थे, यहाँ पे देखिए 5 फंदे उल्टे आ गए, एक फंदा इधर सीधा आ गया। अब बचे 4 फंदे, तो 4 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदे उल्टे हो गए, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 4 फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा। तो देखिए हमारे 14 फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और इन्हीं 14 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो हमने 4 फंदा उल्टा बुन लिया। अब देखिए 5वां उल्टा फंदा इधर सीधे फंदों में आ जाएगा, 3 सीधा फंदा यहाँ दिखाई दिया है, पीछे हमने 3 फंदा उल्टा बुना था, सामने की तरफ से 3 फंदे सीधे हैं। अब एक एक फंदा दोनों साइड से आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 फंदा सीधा।
अब देखिए यहाँ पे चार फंदे उल्टे बचे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। एक दो तीन चार, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर अब पांच फंदे उल्टे हैं, एक फंदा इधर से सीधा हो जाएगा, बचे चार फंदे, तो चार फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर उन दूसरी ओर लास्ट के तीनों फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। डिजाइन दोनों तरफ से पड़ रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अब हम चार फंदे उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लिया, तीन फंदे और उल्टे, एक दो तीन। अब उन दूसरी ओर देखिए, हम ये सीधे फंदे एक एक इधर से उल्टे होते जा रहे हैं, तो देखिए हमने चार फंदा यहाँ से उल्टा बुना था, इधर से हमारे चार फंदे सीधे थे, एक फंदा इधर उल्टा हो गया, बचे तीन फंदे, तो तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर देखिए चार फंदे सीधे हैं, एक फंदा इधर उल्टे में चला जाएगा, बचा तीन फंदा, तो तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर देखिए पांच फंदे उल्टे थे, अब एक एक फंदे सीधे वाले इसमें शामिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा सात फंदे सीधे, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छः और सात, सात फंदा उल्टा हो गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। उन अपनी ओर देखिए बीच वाला फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर फिर तीन फंदे सीधे और लास्ट में चार फंदा है, ये सीधा फंदा, ये उल्टा बन जाएगा, चार फंदे, इन चारों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का पांचवा लाइन है। अब फिर सीधा फंदा एक फंदा आगे बढ़ जाएगा, देखिए चार फंदे सीधे हैं, तो एक फंदा और शामिल हो जाएगा, हो जाएगा पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे रहे, बचे दो फंदे, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर एक फंदा, ये सीधा वाला फंदा ये चलता जाएगा, तो एक फंदा सीधा। उन अपनी ओर देखिए तीन फंदे इधर उल्टे हैं, अब कि सिर्फ दो फंदे उल्टे रह जाएंगे और ये बीच में सीधा वाले फंदा ऐसे तिरछे की तरह बढ़ता जाएगा, तो सात फंदे पिछली लाइन में थे, अब की हो जाएंगे नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ फंदे हमारे सीधे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, देखिए दो फंदा उल्टा बचा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर एक फंदा ये सीधा, अब उन अपनी ओर देखिए दो फंदे उल्टे हो जाएंगे, एक उल्टा फंदा इधर सीधे फंदों में शामिल हो जाएगा, तो दो फंदे उल्टे। उन दूसरी ओर और पांच फंदा सीधा, इधर से हमने पांच फंदा सीधा बुना, अब इधर से हम छह फंदा उल्टा बुनेंगे। ये सीधे वाला फंदा पीछे की तरफ से उल्टा हो जाएगा, तो छह फंदे उल्टे, पहला फंदा स्लिप कर लिया, एक दो तीन चार पांच, तो हो गए छह फंदे। अब देखिए यहाँ पे एक ही फंदा बचा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा। उन दूसरी ओर अब दो सीधे फंदे हैं, तो एक फंदा सीधा रह जाएगा और एक फंदा इन उल्टे फंदों में शामिल हो जाएगा, तो उन अपनी ओर फिर ग्यारह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह, ग्यारह फंदा उल्टा बुन दिया। अब देखिए यहाँ पे एक ही फंदा सीधा बचा है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर
अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर नेक्स्ट फंदा, दो सीधे फंदे हैं तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे फंदों में शामिल हो जाएगा। तो छह फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारे डिजाइन का सातवां लाइन है। तो अब फिर सातवें लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। इस समय हम डिजाइन के बीच हिस्से में आ गए हैं। इस लाइन में भी, सातवें लाइन में भी सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सातवें लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। ये हमारे डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर अब पांच फंदे सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब उन अपनी ओर करेंगे। देखिए, एक फंदा ये हमारा उल्टा जा रहा था तो साइड से भी दो फंदे आ जाएंगे और तीन फंदे उल्टे हो जाएंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा। दो, तीन, चार, पांच फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर पांच फंदे सीधे। अब ये जो डिजाइन है वो यहाँ पे बन रहा है। ये जो तिरछा डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज की तरह ट्रायंगल डिजाइन जो है वो अब यहाँ पे बनेगा। तो पांच फंदे सीधे हो गए, उन अपनी ओर, और तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा हो गया, उन दूसरी ओर पांच फंदे सीधे। बुन अपनी ओर और लास्ट फंदा उल्टा। अब फिर पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए, पांच फंदे उल्टे हैं तो एक उल्टा फंदा इन सीधे फंदों में शामिल हो जाएगा और हो जाएगा चार फंदा उल्टा। एक, दो, तीन, चार। अब देखिए, यहाँ पे तीन फंदे सीधे हैं, यहाँ पे हम पीछे हमने तीन फंदे उल्टे बुने थे तो सामने तीन फंदे सीधे आ गए। एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से इसमें शामिल हो जाएगा, हो जाएगा पांच फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदा सीधा हो गया, उन अपनी ओर। अब देखिए, चार ही फंदे उल्टे बचे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। चार फंदे उल्टे हो गए, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर चार फंदे उल्टे। उन दूसरी ओर देखिए, तीन फंदे सीधे हैं, साइड से एक एक फंदे मिल जाएंगे इसी में, तो हो जाएगा पांच फंदे सीधे। उन अपनी ओर, अब चार फंदे उल्टे बचे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर और एक फंदा, ये लास्ट फंदा, इसे सीधा बुन लें। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं। ये हमारे डिजाइन का दसवां लाइन है। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए, चार फंदे सीधे हैं तो तीन फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे और एक सीधा फंदा इस उल्टे फंदों में शामिल हो जाएगा। तो एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, हो जाएगा सात फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और सात फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर
सात फंदे उल्टे, एक एक सीधा फंदा दोनों साइड से इन उल्टे फंदों में शामिल हो जाएगा। पांच फंदे उल्टे हैं, दो फंदा ऐड हो जाने से हो जाएगा सात फंदे उल्टे। सात फंदे उल्टे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए चार फंदे बचे हैं, तीन फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। अब ये डिजाइन का 11वां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा, एक और दो, उन दूसरी ओर एक उल्टा फंदा इन सीधे फंदों में शामिल हो जाएगा। तो नौ फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे, देखिए दो फंदा उल्टा बचा है, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। और अब ये सात फंदे सीधे थे, दोनों साइड से एक एक फंदे ऐड हो जाएंगे तो हो नौ फंदे सीधे, पाँच छ सात आठ नौ फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे, देखिए तीन फंदे बचे हैं, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा। अब ये डिजाइन का 12वां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे, अब 11 फंदे उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और 11। अब उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए एक ही फंदा सीधा बचा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा, एक सीधा फंदा इन उल्टे फंदों में शामिल हो जाएगा, उन अपनी ओर करेंगे, 11 फंदा उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर अब दो फंदे बचे हैं, पहले तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो 12 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है, देखिए ऐसे ट्रायंगल जैसा ये बनता चला जाएगा। डिजाइन दोनों साइड से पड़ रहा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे बनाना होगा। डिजाइन एक बार जब सेट हो जाएगा आपके दिमाग में तो ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, डिजाइन बहुत ही आसान है, ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसका राइट साइड है। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और बनाना भी आसान है। एक बार जब डिजाइन ये बन जाएगा तो उसके बाद ऊपर ऊपर ये बनता चला जाएगा। 12 लाइन का रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं 12 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। तो डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएं। डिजाइन दोनों तरफ से पड़ा, देखिए ये सामने की तरफ है और ये इसका रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से भी देखिए ये कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।